महाराष्ट्र HSC रिवोल्यूशन या फिर रीचेकिंग का जो रिज़ल्ट है वो अभी तक नहीं आया है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर है जो स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा हैं, जो मुझे हैं जो प्रॉब्लम में दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट आए हैं जिन्होंने बोला है कि सर है जो तब हमने अप्लाई किया था और अभी तक है जो हमारा जो रीचेकिंग का जो रिज़ल्ट है या फिर रिज़ल्ट है रिवोल्यूशन का वो अभी तक नहीं आया है। तो इसी से संबंधित मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ कि इसकी जो एक्सपेक्टेशन जो डेट होगी या फिर मैं पॉसिबिलिटी इसकी बताऊँ, क्योंकि जो हमारे जस्टिन इंग्लिश टीम डिपार्टमेंट से जो डिपार्टमेंट से महाराष्ट्र बोर्ड से जुड़े हुए हैं उनसे थोड़ी सी ऑफिशियली बात हुई है। हालांकि शेयर नहीं करनी चाहिए लेकिन मैं फिर भी स्टूडेंट्स इतने परेशान हैं तो मैं उनके सामने ये बात है जो समक्ष रखना चाहता हूँ। और अगर आप नए व्यूवर हो हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब कर लेना। और मैं महाराष्ट्र HSC रेवोल्यूशन और चेकिंग से संबंधित इसकी जो प्रोसेस होने वाली है उस प्रोसेस के बारे में आपसे बताने वाला हूं दोस्तों। सो है गाइस, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक। बिफोर वी स्टार्ट मेक श्योर यू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, लेट्स स्टार्ट। तो देखिएगा इसकी जो फॉर्म वॉर्म की जो सबमिशन डेट थी वो लगभग काफ़ी दिन हो चुके हैं, लगभग महीना भर होने के हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स उनको अपनी इच्छा के अनुसार उनको मार्क्स नहीं मिले हैं, या फिर उनको इच्छा की अगर मैं बात करूँ तो इच्छा केवल उस स्टूडेंट्स की रहती है जिन्होंने वहाँ पर है जो आंसर शीट में आंसर शीट एकदम करेक्टली उनके आंसर्स दिए हैं वो ही है रीचेकिंग और रिवोल्यूशन का फॉर्म यहाँ पर भरते हैं। तो उनके लिए सबसे पहले बड़ी बात तो यही रहेगी मेरी तरफ से कि अभी तो कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका नहीं आया है, लेकिन अगर मैं आपको सांत्वना देने के लिए अगर बात बताऊं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि लगभग यहाँ तक रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ तक नहीं आ जाएगा। लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी बात यहाँ पर बता दूँ, बाकी इधर उधर कहीं पे भी मत जाइए, यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जो आपको भ्रम में डाल रहे हैं। मेरी खुद की ऑफिशियली बात होती है लेकिन उन्होंने मेरे को दो तीन बार बता दिया है कि अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। उसके बाद से हैं जो दोस्तों जहाँ तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है वहाँ तक कुछ नहीं होने वाला है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा महाराष्ट्र बोर्ड का वो सबसे पहले वीडियो अगर आपको देखने को मिलेगी तो इसी चैनल के माध्यम से आपको वो मिलेगी कि महाराष्ट्र HSC 12th का जो रेवोल्यूशन या फिर रीचेकिंग का जो रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड टुडे। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर HSC के उनको अगर कोई प्रॉब्लम है कि अगर इसके एक्सपेक्टेशन की मैं अगर बात करूँ, पॉसिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो इस मंथ के या तो एंड तक आ जाएगा या फिर नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में तो आना ही है, ये बिल्कुल फिक्स है। या तो इस मंथ के एंड में या फिर है जो एंड तक है जो बिल्कुल सारा सब कुछ हो ही जाएगा। बाकी अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर कमेंट करें, हम आपके विद इन 15 मिनट के अंदर अंदर हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।